कोटाबारा रोड पर तेज रफ्तार का कहर दिखा गया, जिसके तहत वैन और ट्रोले के बीच भीषण भिड़ंत हुई और हादसे के बाद ट्रोले में आग लगी और इसी दौरान एक की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये तेज रफ्तार का कहर देखा गया जिसके तहत एक की मौत हो गई है इस हादसे में, साथ ही आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही ये वैन और ट्रोले के बीच में भिड़ंत हुई, हादसे के बाद ट्रोले में आग लगी और ये आग इतनी भयावह थी कि जिसके तहत एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये भीषण भिड़ंत हुई है वैन और ट्रोले के बीच में, हादसे के बाद ट्रोले में आग लगी और आग की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही ट्रोले में किस प्रकार से आग लगी है वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये वैन के भी हालात आप देखिए, जब ये भिड़ंत हुई है, भिड़ंत होने के बाद कैसी जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आई है। शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाकिर, अब ये तेज रफ्तार का कहर देखा गया जिसके तहत वहां पर फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, कोटाबारा रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, वैन और ट्रोले के बीच में भिड़ंत हुई है और साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जो घायल है उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? तो कोटाबारा रोड पर ये तेज रफ्तार का कहर देखा गया है, वैन और ट्रोले के बीच में भिड़ंत हुई, साथ ही हादसे के बाद ट्रोले में आग लगी, आग से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, साथ ही आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन जो ये रफ्तार का कहर देखा गया कोटाबारा रोड पर, यहाँ पर ये भिड़ंत इतनी तेज थी, आग किस प्रकार से ट्रोले में धधकती हुई दिखाई दे रही है, काला धुआं का अंबार जो है हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये हादसा इतना भयावह था और ये तस्वीरें ये जाहिर कर रही है कि किस प्रकार से भिड़ंत हुई होगी, कितनी तेज हुई होगी, साथ ही हादसे के बाद ट्रॉले में आग लगी, ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा जिसके बाद आग लगी और साथ ही पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है सूचना पर, लेकिन कोटाबारा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया, वैन और ट्रोले के बीच में भिड़ंत हुई।